पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दरअसल आपको बता दें कि बड़ौदा के चुनाव परिणाम के बाद दुष्यंत चौटाला आज पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सबसे पहले कहा कि हरियाणा में बाय इलेक्शन में कांग्रेस के इंदुराज को जीतने पर मैं बधाई देता हूं। बड़ा अच्छा चुनाव रहा, बधाई देता हूं इंदुराज को। जनमत उनके पक्ष में, योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है, बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, 50,000 क्रॉस। अगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आई, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज़्यादा वोट डाले हैं। और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया। याद है 2009 के अंदर जब इलाहाबाद का बाय इलेक्शन हुआ था, वो बाय इलेक्शन जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध में 6,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला को जिताया था। ये तो समय की बात होती है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सीट थी, जनता ने कांग्रेस को दी। अगर गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती, जब तो हम मानते हैं कि एक बदलाव लोगों ने चाहा। उनका पुराना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, श्री कृष्ण हुड्डा 3 चुनाव वहाँ से जीते हैं, बाय इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तो बधाई दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बड़ौदा की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है सरकार के खिलाफ। अगर ये 50,000 वोटों को दीपेंद्र हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव कह रहे हैं तो उनका राजनीतिक गणित बहुत गलत है। यही बड़ौदा की जनता थी जिनने किसी टाइम पर कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराने का काम करी थी। चौधरी देवीलाल जी ने कृपाराम पूनिया से लेकर और रामफल चिड़ाना तक किसी को चुनाव लड़ाया हो उसको जिताया था। उसके बाद वही बड़ौदा ने श्री कृष्ण हुड्डा को, जो उस हल्के के नहीं थे, उनको भी जिताया। आज इंदुराज को कोई जानता था, वो कपूर नरवाल की मेहनत कहीं ना कहीं का फल आज इंदुराज ले गया। यह कहना गलत है कि गठबंधन की हार हुई है। गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल की हैं। हम यह कह सकते हैं कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आने वाले समय के परिणाम बदल सकते हैं। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, यह ठीक नहीं है। 50,000 से ऊपर वोट मिलना यह दर्शाता कि हमने खूब मेहनत की है। सर, तो चुनाव परिणामों की बात है। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन के साथियों ने पूरी मेहनत करी और मेहनत लगन के साथ काम किया और उसी का नतीजा है कि 50,000 से अधिक वोट बड़ौदा के अंदर गठबंधन। हरियाणा के उद्योगों में 75% स्थानीय कर्मचारियों के लिए विधानसभा में पास बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वह भी जरा आप सुनिए। ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के अंदर उनको स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी हम प्रोवाइड करें। आप मुझे ये बताओ कि आपके कैमरामैन जो है, अगर हम स्किलिंग करके हरियाणा के बच्चों के हाथ में कैमरा दे देंगे तो आपको क्या सुविधा नहीं बढ़ेगी? अगर गेट का सिक्योरिटी गार्ड हरियाणा का होगा या ट्रैक्टर से लेकर गाड़ी तक का ड्राइवर हरियाणा का होगा तो सुविधा नहीं बढ़ेगी। और तो और आपकी डाइंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हमारे ITIs के साथ टाई अप कर अगर हम लोकल स्किल्ड लेबर दें तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का भला होगा। और इस बिल का भी यही उद्देश्य है कि हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। उन्होंने आश्वस्त किया कि औद्योगिक घरानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके साथ है और उनके हमेशा साथ खड़ी रहेगी। जब अपने घर से ही प्रशिक्षित लोग उन्हें इंडस्ट्री के लिए मिलेंगे तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी और साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा सरकार प्रयासरत है, सभी विभागों में भ्रष्टाचार का जड़ मूल नाश कर सिस्टम को डिजिटल कर लोगों को राहत मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।